come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain? Hi everyone, good morning and welcome to my channel and happy Navratri to all of you. Happy Gudi Padwa. आज से हमारा हिंदू पर्व का न्यू ईयर स्टार्ट होता है, साथ ही साथ उगदी है, मतलब तेलुगु वालों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है. देन गुड़ी पड़वा है, रामदान स्टार्ट होने वाले हैं. को न्यू ईयर इसलिए माना जाता है, हमारा जो हिंदू न्यू ईयर है या हमारा जो ये न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन इसलिए होता है. सन की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, एनवायरमेंट में चेंज हो रहा होता है, वेदर चेंज हो रहा होता है, फसल जो होती है, जो अनाज वनाज होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं. मतलब बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न की वजह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है. तो आप सोचो, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ें आ गई हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे जिन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट किया है, जो ये फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम इंडिया में, पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, अलग 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 रीजन्स में अलग अलग, बस नाम दे दिए गए हैं, बाकी सेलिब्रेट वो कर रहे हैं जो नया वर्ष है उसको. सो इट्स रियली इनक्रेडिबल, यू नो, हमारे हर फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजन है. तो ऑलवेज सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स. गुड़ी पड़वा टू एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर, नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, बहुत सारे फेस्टिवल्स है आज, हैप्पी लोहड़ी भी है आज, नहीं आज नहीं है, लोगों को हैप्पी व्हाटएवर फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल है आज सब, हिंदू हैप्पी न्यू ईयर. यस, विक्की ने शार ले लिया, मैं जा रही हूँ. गाइस, सो आई जस्ट टुक शार, मैंने शार ले लिया है. तो नवरात्रि में क्या होता है ना, विक्की के पूरे 9 days वो फास्ट रखता है एंड मैं सिर्फ फर्स्ट डे एंड लास्ट डे रखती हूँ, मतलब 9 days तो मुझसे नहीं हो पाता है. तो फास्टिंग इज ऑल अबाउट, यू नो, कि फास्टिंग का एक रीज़न ये भी होता है कि आप अपनी बॉडी डिटॉक्स कर लो, दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके मन से आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे हमने फास्ट रख लिया, भूख लग रही है एंड ऑल. तो मेरे से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे से बाकी के दिन तो नहीं रखाता है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट डे एंड लास्ट डे अच्छे से रख लेती हूँ. एंड हर साल तो हम लोग कन्या भोजन वगैरह करते हैं, बट लास्ट ईयर भी नहीं किया था एंड इस साल भी कुछ नहीं हो पाएगा कोविड की वजह से. अदरवाइज जनवरी में ऐसा लग रहा था ना कि ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, बट ठीक है, इस साल भी नहीं करेंगे. तो हम लोग या तो कन्या भोजन नहीं कर पाते तो फिर हम किसी को बांट देते हैं खाना, वैसा कुछ करते हैं. तो मैं अभी सब अपने बाल वाल ड्राई करती हूँ, अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारी जो हाउस हेल्पर है वो आने लगी है. ऑल दो काफ़ी सारे लोगों ने मुंबई में, तो यहाँ पर तो ऐसा हुआ है कि वापस से अपनी जो हाउस हेल्पर है उनसे काम कट करवा दिया है. मतलब मोस्टली लोग सिर्फ बर्तन करवा रहे हैं, झाड़ू पोछे में क्या होता है ना कि पूरा घर में घूमते हैं वो लोग, तो यू नेवर नो इतने लोगों के घर जा रहे हैं, किससे क्या कॉन्टैक्ट में आ जाए, जो भी है, तो थोड़ा एक डर तो है. तो आज मैं सिर्फ लास्ट से झाड़ू एंड पोछा करवाने वाली हूँ, बाकी फिर मैं उसको बोल दूँगी कि हम पूरा देंगे तुमको, बट सिर्फ आके बर्तन करके चले जाओ. एंड ऐसे ही करना पड़ेगा अभी थोड़े दिन, तो जब तक केसेस कम नहीं हो जाते. हो रखा है 11:30. साबूदाने की खिचड़ी मैंने रात में जो है साबूदाना है वो गला के रख दिया था, तो यहाँ पर रेडी है. तो मैं फटाफट से साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. और मुझे लग रही है गर्मी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सूट है ना, ये भी मैं उतारूंगी दिन में, क्योंकि दिन में तो ऑब्वियसली गर्मी लगती है, पहन नहीं पाएंगे. Wish I could say I was finally over you. Hi
हाय गाइस, तो मैंने अपना चेंज वेंज सब कर लिया है, सूट हटा दिया क्योंकि सूट पहने पहने ना थोड़ी गर्मी लगने लगती है और अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है मतलब। तो एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट 3 बार से ऐसा हो रहा था मेरा कि जो मैं दही जमाती हूँ घर पे, तो पहले जब मैं उस घर में दही जमाती थी तो मोस्टली मैं ना मिट्टी के बर्तन में करती थी। अभी वो मिट्टी वाला जो है वो हमारा टूट गया है या पता नहीं किसी और चीज़ के लिए मैंने यूज़ कर लिया था, और या फिर मैं कांच के बर्तन में जमाती थी। अभी मैं दो तीन बार से ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा नोटिस किया शायद कि स्टील के बर्तन में दही जमा रही हूँ तो वो इतने अच्छे से जम नहीं रहा है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा जो हेल्पर आ रही थी, मैंने एक दिन उसको दिखाया, मैंने कहा मेरा दही ऐसा क्यों हो रहा है बताओ मुझे, तो उसने मुझे बताया कि आपने, वो मुझसे पूछती कि आप गर्म दूध में दही डाल रहे हो क्या, तो मैंने बोला हाँ, बोलती इसलिए आपका दूध वो हो गया। अब कल मैंने क्या किया, 2 पैकेट दूध में इतना सा दही लेकर के डाल दिया, तो अब ये देखिए ये कैसा हो गया है, ये इस तरह से हो गया, मतलब दही तो जम गया है पर बहुत अच्छे से नहीं जमा है। तो फिर मैं फिर कंफ्यूज हो गई थी, मैंने कहा यार अब क्या हो गया। फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल लगा करके दिखाया, और अब भी जस्ट मेरे 1 मिनट मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है ना, उसमें से दूसरा दही जमाना हो तो। हाँ हाँ, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगा करके दिखाया कि ये खराब तो नहीं हुआ है, ये लस्सी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं नहीं लस्सी बना सकती हो। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में लस्सी बना रही हूँ। मेरे को लस्सी मतलब कुछ तो मैं एकदम एक्सट्रीम चीज़ें बना लेती हूँ, बट कुछ एकदम बेसिक चीज़ें भी समटाइम्स होता है ना आपको नहीं आती है। तो मैंने लस्सी कभी बनाई नहीं, ऑल्दो मैंने 4 वीडियो देखे, एक तो कुणाल कपूर और ऐसे जो 2-3 यूट्यूबर्स वाले वीडियो होते हैं ना वो देखा, तो मुझे जो सबसे ईजी लगी वो यही लगी कि बस आप दही मिलाओ, शक्कर मिलाओ, पानी मिलाओ एंड उसमें थोड़ा सा ये इलायची पाउडर मिलाओ और आपकी लस्सी बन गई। मतलब काफ़ी सिंपल है। तो लेट्स मेक द लस्सी। कैमरे को यहाँ पर रख देती हूँ। Feels were mine. We played hide and seek for hours. Raised our shadows. तो जो लस्सी है वो बन चुकी है, मैंने अभी उसको फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। थोड़ी ठंडी हो जाएगी, आधे 1 घंटे बाद फिर पियेंगे। तब तक मैं जाती हूँ अपना एक वीडियो शूट करने के लिए, ब्रांड वीडियो शूट करना है एक्चुअली मेरे को। ओके गाइस, सो ये जो स्नेक प्लांट है ना, ये हमारे जो बेडरूम में लगा हुआ स्नेक प्लांट है, ये वो है। एंड लुक एट दैट, वहाँ से लीव्स आना स्टार्ट हो चुकी है। एंड आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं मिट्टी का, कि मैं कितना कम इसमें पानी डालती हूँ। मैंने 7 दिन पहले डाला था, अब मैं 1-2 दिन डालूंगी बस। और इनमें किसी में नई लीव्स, ये देखिए ये एक और नई लीव्स है। उसके बाद ये नीचे जो जीजी प्लांट है ना, इसमें भी ये पूरा नया जो लीव का है वो बाहर आ रहा है। और कहीं से ब्रेक हुआ, इसको देख करके तो जो खुशी होती है ना उसका तो अलग ही लेवल है। एंड ये ना थोड़ा सा जल इसलिए गया है क्योंकि ये कैंडल जलाती हूँ ना, तो शायद उनको गरम गरम फ्लेम्स लग जाती है। ये यहाँ से आई थिंक आने वाली है, ऐसा लग रहा है। तो आई एम जस्ट वेटिंग। तो इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है, और जो कटिंग थी वो मैंने यहाँ और यहाँ लगा दी है। मतलब ये जो जीजी एंड स्नेक प्लांट है ना, ये इतने लो मेंटेनेंस प्लांट हैं कि आपको इनको पानी दे करके भूल जाना है, मतलब भूल जाओ कि आपके घर में कोई प्लांट है। और हाँ, थोड़ी रोशनी, मतलब ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर ना सनलाइट आती है, एकदम आप बिल्कुल एकदम अंधेरे में नहीं रख सकते उसको, हल्की सी रोशनी, थोड़ा हवादार, थोड़ा एयरी रूम होना ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ के रूम्स काफ़ी एयरी हैं, तो वो आराम से कॉर्नर में रखे रहते हैं, उसमें ना मैं डिस्टर्बेंस देती हूँ पानी को लेकर के, ना ही मैं उनको सनलाइट दिखाती हूँ, वो आराम से अपने यहाँ पर है। तो अब मैं फटाफट से ना रेडी हो जाती हूँ। Without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Okay
ओके गाइस, तो ये है मेरा सेटअप। मैंने अपना जो टॉप है वो चेंज कर लिया है। एंड जब लास्ट टाइम मैं ये टॉप पहनी थी ना, तब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने ये टॉप कहाँ से परचेज़ किया है। ये मैंने लिया था मिंत्रा से, आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे लिया था मैंने, बट पहना इसको काफ़ी टाइम बाद है। सो आई एम नॉट श्योर, मैं चेक कर लूँगी लिंक अगर ये अवेलेबल होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी ये सिर्फ दो साइज़ में अवेलेबल था, एक तो एक्सेस और एक एस। तो मेरे को एस साइज़ मैंने चेक किया कि अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं वापस कर दूँगी, बट एस मुझे काफ़ी सही आया। तो ये मैंने एस साइज़ में लिया था। वो थोड़ा ऊपर से दिखाती हूँ कि कैसा है। सो इट्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल इस शेप में है, एंड यहाँ से पीछे ऐसे टाई करना होता है आपको, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। हाँ, अच्छी जीन्स पे जो फ्लैट जीन्स होती है ना, उसके ऊपर ये बहुत सुंदर लगता है। इनफैक्ट मुझे इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी स्लीव्स देखिए, स्लीव्स आर रियली गुड। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ, और मुझे लगेगा आधा घंटा हार्डली, फोर ओ क्लॉक हो रहा है, तो 4:30 तक मैं फटाफट से वीडियो शूट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि आधे घंटे में मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मैं टाइम दिखाती हूँ। सो इट्स 4:30-4:35 हुआ है, मतलब 4:30 का बोला था तो 5 मिनट ज़्यादा हो चुका है। सी लुक एट मी, यहाँ पर दिख रहा है मैं शॉर्ट्स अपने करके पहनी हुई हूँ और टॉप बस चेंज कर लिया है, और अब मैं फटाफट से ना अपना जो टॉप है वो चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाउ इज द लस्सी? और अभी मेरे पास एक और मैंने सामान मंगवाया है किचन के लिए। किचन में मैं कुछ चेंजेस करने जा रही हूँ। तो अब हम ओपन करेंगे हमारा ये जो नवरात्रि स्पेशल है, नवरात्रि गुड़ी पड़वा के अवसर पर हमने लिया है किचन के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चीज। मैंने मंगवाया है ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हमारा अभी तक ये स्टैंड था, बट ये जो स्टैंड है ना, ये बिल्कुल मतलब बस ये ऐसा है कि अपने प्राण कभी भी त्याग सकता है, उस तरह की हालत में हो चुका है। तो मुझे वो थोड़ा स्टर्डी वाले स्टैंड में चेंज करना था। पहले विक्की ने मुझे बोला मैं बना देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, मैंने बोला रहने दो, और वो सस्ता बना भी देता डेफिनेटली, वो बहुत अच्छा कुछ यूनिक सा बना देता, बट अभी सिचुएशन नहीं है कि आप जाकर के बाहर लकड़ी लेके आओ, ये करो वो करो, और उसको ऑफिस का भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। तो मेरे को ये अच्छा डिज़ाइन दिख गया था, मैंने अपने भोपाल में भी घर के लिए मंगवाया था, तो मुझे अच्छी डिज़ाइन लग गई थी, तो मैंने ये मंगवाया। ये आयरन एंड वुड का है, तो काफ़ी स्टर्डी है। तो मैं इसको रख के देख रही हूँ कि ये मतलब यहाँ पे जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अगर नहीं जमेगा तो फिर मैं वापस कर दूंगी, बट अगर मुझे ये परफेक्ट लग गया तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो मैं वही रख के देख रही हूँ सब कुछ। अंदर आ जाएगा पूरा, और ये खाली अभी थोड़ा क्लटर्ड लगता है ना, क्यों There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh, I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Maybe going down, 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 down. Maybe going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Maybe going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. Sure, just thought I should let you know. Now, no one's no more. No, I got so high on a low. That's when I love you the most. Now, I thought I should let you know. मेरे पास ने कि इस तरह का स्टील का हैंगर था जो कि ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूंगी, और इधर आई कैन पुट इट हियर एज वेल, बट दिस इज मोर बेटर। एंड ये जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो सब यहाँ पर माइक्रोवेव के पास रहेंगी। तो ये जो स्टैंड है ना, या तो मैं इसका, ये हमारे ना पूरे प्रॉपर बैल्कनी के साइज़ का है, एकदम परफेक्ट साइज़ का है, तो या तो मैं इसका एक प्लांट स्टैंड बनाऊंगी, और या तो मैं इसको बाहर फुटवेयर के लिए यूज़ करेंगे जो बाहर से फुटवेयर आते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ स्टेनलेस स्टील। तो या तो मैं इसको प्लांट स्टैंड बनाऊंगी थोड़ा जुगाड़ तुगाड़ करके, इसमें कुछ एमसील वेमसील लगा करके, इसमें थोड़ा सा सीमेंट वेमेंट लगा के इसको स्टर्डी करेंगे, एंड या तो फिर मैं इसको हल्के फुल्के प्लांट्स रखने के लिए। हाई एवरी,
everyone, good morning. So, कल के बाद मैं डायरेक्टली आपसे आज मिल रही हूँ. तो अभी सुबह तो ऐसे आज मुझे एडिटिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा करना है, कल जो वीडियो शूट किया था तो आज मैं एडिटिंग करूँगी. कुछ ऐसा खास नहीं हो रखा है घर पे एंड अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि विक्की के 9 days के फास्ट हैं. तो अभी क्या फ्रूट्स वगैरह खाएगा, मतलब मैंने भी उसको मना नहीं किया, करना है तो कर सकता है क्योंकि शाम को तो प्रॉपर डाइट लेता है वो, नमक वमक वाला सब कुछ, रोटी दाल चावल सब्जी सब खाता है वो. बस सुबह है तो सुबह वो अपना दही वही लस्सी वगैरह उसके बाद फ्रूट्स खा लेगा तो उल्टा अच्छा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा. तो वो फास्ट कर रहा है, मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं कल का अकेला फास्ट करने के बाद ही मेरे को ना रात में तो मैं ऐसी हो गई थी बिल्कुल एकदम बेजान. आज प्रॉपर खाना खाऊंगी तो मैं अपने लिए भी रोटियां बना रही हूँ और रायता वगैरह कुछ बना लूंगी, सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि शाम को फिर से पूरा खाना फ्रेश बनाना है. तो यस, फटाफट से रोटी बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. सो फाइनली मिस्टर विक्की गॉट अ न्यू होम. मिसेस रुचि चतुर्वेदी ने दिलवाया है मुझे ये फोन. अब अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो मैं बताऊंगा वीडियो में. मैंने भी दिलवाया. मैंने नहीं बोला था भाई, मैंने आपके आपके बर्थडे गिफ्ट दे दिए हैं, ये सब कोई डील नहीं हुई है. आप ही ने बोला था इट्स योर गिफ्ट. इसका फोन इतनी मरी हुई हालत में हो चुका था, मतलब लिटरली इतनी मरी हुई हालत में हो चुका था. मैंने बोला यार अब तो चेंज कर लो, भगवान जाने कौन से फोन का वेट कर रहा था. मेरे को पता ही नहीं है कौन से फोन का वेट कर रहा था. एक्चुअली इसको चलानी रहती है, बहुत हाई एप्लीकेशन चलाता है ये अपने फोन पे. इसने लास्ट आपने कौन सा थोड़ा महंगा फोन खरीदा था, गूगल नेक्सस खरीदा था तब 2011 में, तो वो 26-27 कुछ का आता था. इन महाशय ने एक डेढ़ साल में उसमें भगवान, शायद पता नहीं शेयर कर चुकी हूँ व्लॉग में, बट ठीक है जो नए लोग हैं वो फिर से सुन लेंगे. इसने क्या किया, ये अपना कुछ तो भी इसने एप्लीकेशन बनाई, वो उस मोबाइल में डाल दिया. मोबाइल ऐसी कंडीशन में खराब हो, ना तो वो एप्लीकेशन चली ना तो वो मोबाइल चला, और वो मोबाइल ऐसा खराब हुआ ना उसके बाद फिर से इसने एंड्रॉयड डालने की कोशिश करी उसमें, बट वो तो चलना ही, मतलब वो तो ऐसा हो गया था. फिर से विक्की को फिर ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मैं महंगे मोबाइल नहीं. तो ये इसका एक बजट रहता है 12,000 से 13,000 के अंदर के मोबाइल लेता है ये हमेशा से. वैसे इसको कोई शौक नहीं क्योंकि ये बहुत हैवी एप्लीकेशंस और एक्सपेरिमेंट कर दो तो खराब हो जाए तो आपको दुख ना हो, ठीक है. अभी तक इसका वही चल रहा था. सो अब जा करके 10-11 साल बाद आप ले रहे हो ना इतना महंगा, 11 साल बाद इसने मोबाइल लिया है. तो अनबॉक्सिंग हो रही है बाबा, अनबॉक्सिंग हो रही है. आर यू हैप्पी नाउ? तो चलो इसको यूज़ करके हम लोग रिव्यू देंगे कि कैसा मोबाइल है, क्या मोबाइल है और विक्की ने कितने दिन में इसको ख़राब कर दिया. ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना कट गया है, ये कट मतलब रिंग फिंगर के यहाँ पर ऐसे पूरा ये कटा छिला सा कुछ ये ऐसा अजीब सा हो रखा है. लास्ट ईयर भी जब ये सैनिटाइजेशन बहुत होने लगा था और बहुत बार बार हैंड वॉश करते थे ना, तब ये बहुत होता था मुझे, तब भी ये हुआ था और सेम चीज़ हुआ था, मतलब ये ऐसे कट टाइप गया था. तो क्योंकि मेरी रिंग फिंगर का जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है, ये एकदम ऐसे पतली सी रिंग है, मैं एकदम खाली तो नहीं रखती अपनी जो ये रिंग फिंगर है, तो इसमें मैंने एकदम ये पतले से बेस का रिंग पहन करके रखा हुआ है. ये थोड़ी लूज भी है तो आई डोंट नो क्या हो रखा है, ये मैं स्पेशल हूँ या सबको ऐसा कुछ प्रॉब्लम समर्स में होता है, और ये मुझे समर में ही होता है, वैसे नहीं होता है. सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.